हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक एग्जाम यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की ये क्लास पांचवी क्लास है दोस्तों। इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले मेटल के एमसीक्यू जो कि पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं। आपके लिए पता होगा, किसी भी डिपार्टमेंट का आप पेपर दीजिए, उस मेटल से क्वेश्चन कभी नहीं छूटते हैं, मेटल से क्वेश्चन आते ही आते हैं। सो दोस्तों, वीडियो में 60 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाला हूँ जो आपके पिछले ईयर में पिछले क्वेश्चन में पूछे गए हैं। सो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि आपको आने वाले प्रत्येक वीडियो को नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर है, फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है, देखिए क्या बोला जा रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, विच मेटल इज मोस्ट अबाउट डेंट इन अर्थ क्रस्ट, यानी कि पृथ्वी के बाहरी हिस्से में कौन सी धातु अधिक पाई जाती है, कौन सी धातु सबसे अधिक पाई जाती है। तो हमारी जो एल्यूमिनियम धातु है जो वो सबसे अधिक पाई जाती है, तो सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर टू में बोला जा रहा है गाइज, स्टील हैविंग 18% क्रोमियम, स्टील में 18% क्रोमियम है, 8% निकल है, उस स्टील को हम क्या कहते हैं। देखिए, जिस स्टील में 18% क्रोमियम एंड 8% आपका निकल होता है, वह हमारी होती है जंग रोधी इस्पात, यानी कि स्टेनलेस स्टील, यानी कि आपका यहाँ पर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थ्री आपकी स्क्रीन पर। दोस्तों, मैं आपके लिए बता दूं, अगर आपने अभी तक DRDO प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड नहीं किया है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डाउनलोड कर लीजिएगा। और आपके लिए मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा गाइज, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए हमने अलग से PDF क्रिएट की है, 500+ MCQ आपके फिडेट टर्नर मशीनिस्ट के स्टूडेंट्स के लिए 500+ MCQ मिल जाएंगे, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, जाकर डाउनलोड कर लीजिए। बहुत अच्छे क्वेश्चन से इंग्लिश वाले स्टूडेंट आप डाउनलोड कर सकते हो, फुल इंग्लिश में मिलेंगे आपके लिए, बहुत अच्छे अच्छे चैप्टर वाइज क्वेश्चन सभी मिल जाएंगे, 500+ क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, यूथ कॉम्पिटिशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर थ्री आपका यहाँ पर बोला जा रहा है, गन मेटल इज एन अलॉय ऑफ, गन मेटल से क्वेश्चन गाइज बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, गन मेटल एंड पीतल, ये दो क्वेश्चन बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। इन क्वेश्चंस को आपको अच्छे में डिटेल में पढ़ना चाहिए, आपको समझना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर इनसे क्वेश्चन कुछ ही बन सकता है। जैसे गन मेटल जो हमारा होता है वो ताबा, टिन एंड जिंक से मिलकर बना होता है, इसका अलॉय होता है 18%, यानी कि 88% इसमें ताबा होता है गाइज, 88% इसमें ताबा होता है। टिन जो होता है वो हमारा होता है यहाँ पर 10, यानी कि 10%, और ब्लास्ट बचता है हमारा जिंक जो होता है वो होता है गाइज हमारा 2%, तो पूरा मिलाकर हो जाता है 100% का हमारा यहाँ पर उनका अलॉय बन जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है, यहाँ से कुछ ही पूछा जा सकता है, इस प्रकार से भी क्वेश्चन बन सकता है कि गन मेटल में ताबा कितने प्रतिशत पाया जाता है, तो ताबा हमारा 88% पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपकी स्क्रीन पर, फोर्थ में बोला जा रहा है, एग्जाम्पल ऑफ नॉन फेरस अलॉय इज, अलॉय मिश्र धातु का उदाहरण है। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है अलॉय मिश्र धातु जिसमें लोहा नहीं पाया जाता, तो हमारा यहाँ पर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, पीतल हमारी एक अलॉय मिश्र धातु है। क्वेश्चन नंबर फाइव आपकी स्क्रीन पर, अगर आपको वीडियो पसंद आती है, हमारे द्वारा प्रोवाइडेड क्वेश्चन आपको पसंद आते हैं, क्लासेस पसंद आती है, सो लाइक करिएगा। और मैं आपसे प्रत्येक वीडियो में बोला करता हूँ गाइज कि आप मेरे आंसर देने से पहले खुद आंसर देने की कोशिश करें, पे कॉपी और पेन लेके आप वीडियो को देखा करिए, ताकि आप एक जो भी इम्पोर्टेंट आपको यूनिक क्वेश्चंस लगेंगे, जो नोट करने लायक बातें इम्पोर्टेंट बातें होती हैं, वो मैं आपके लिए बताता हूँ, आप नोट कर सको, ताकि आपको रिविजन करने में आसानी रहे। क्वेश्चन नंबर फाइव है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन मेटल, यानी कि निम्न में से कौन सी अधातु है। आपके लिए यहाँ पर अधातु बताना है, जो हमारा पारा होता है गाइज, ये मरकरी जो लिक्विड यानी कि द्रव अवस्था में पाया जाता है, ये हमारा धातु है। सोडियम भी हमारा धातु होता है, मैग्नीशियम भी हमारा धातु होता है, ऑर्गन जो होता है एक गाइज हमारा अधातु होता है, तो डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स आपकी स्क्रीन पर, इसका आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए क्या होने वाला है। यहाँ पर बोल रहा है, भाई एग्रीकल्चर इक्विपमेंट इज मेड ऑफ रॉट आयरन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्यों कृषि यंत्र हैं जो हमारे रॉट आयरन से बनाए जाते हैं, ऐसा क्या कारण है कि उसी से ही हम कृषि यंत्र को बना सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आंसर कमेंट करिए। यहाँ पर हमारा हो जाएगा करोजन रेजिस्टेंट, यानी कि जंग प्रतिरोधक हमारा होता है रॉट आयरन, इसलिए हम रॉट आयरन के ज़्यादातर एग्रीकल्चर जो इक्विपमेंट होते हैं, कृषि उपकरण होते हैं, उन्हें बनाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है ड्यूरालुमिन इज एन अलॉय ऑफ विच मेटल। देखिए जो ड्यूरालुमिन होता है वो किसकी मिश्र धातु है, आपके लिए पता होना चाहिए। जो ड्यूरालुमिन होता है एक होता है हिंडोल्यूमिन, वो भी हमारे एल्यूमिनियम की, और ड्यूरालुमिन भी हमारे एल्यूमिनियम की मिश्र धातु है। तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर। दोस्तों इस वीडियो का हम लाइक का टारगेट रखते हैं कम से कम 100। आप 100 लाइक कम से कम इस वीडियो पर कर दीजिए ताकि थोड़ा सा हमको भी मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए ऐसी लगातार मेहनत करते रहें। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर बोला जा रहा है, बहुत अच्छा पॉपुलर क्वेश्चन है। पीतल एक मिश्र धातु है जिसमें शामिल है, पीतल आपकी मिश्र धातु है, कौन कौन से यहाँ पर धातु से मिलकर बना है। तो हमारा कॉपर एंड जिंक यानी कि तांबा और जस्ता से हमारे मिलकर बनती है पीतल, ठीक है। इसमें जो कॉपर जो होता है, तांबा जो होता है 70% पाया जाता है, और आपका जिंक होता है वो 30% पाया जाता है। अगर आपको 70 और 30 ऑप्शन में नहीं मिलता है तो बिल्कुल एकदम एक्यूरेट पूछता है, तो आपका तांबा जो होता है वो होता है गाइज आपका 67%, और आपका जो जिंक यानी कि जस्ता जो होता है वो होता है 33%, ठीक है। तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, दोनों आपको देखना, जो भी ऑप्शन मिले वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, और दोनों एक साथ ऑप्शन में कभी आपको नहीं मिल सकते हैं। ये 100% होता है, और ये हमारा नॉर्मली होता है, जनरली ये होता है 70-30। वैसे अगर 100% एकदम एक्यूरेट पूछे तो 67-33 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर। इसमें क्वेश्चन नंबर 9 में बोला जाए धातु को सीटों में बदलने की क्षमता के कारण होती है। धातु का बाह्य कौन सा गुण है जिससे हम धातु को सीट के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। तो आपके लिए पता होगा वो हमारा होता है गाइस मैलेबिलिटी यानी कि इलास्टिसिटी के गुण के कारण हम धातु को सीट के रूप में बदल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर बोल रहा है निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है। तो निम्नलिखित में सबसे भारी धातु आपको बताना है। चार आपके लिए ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल जाएंगे, एल्यूमिनियम, लेड, टाइटेनियम, स्टेनलेस स्टील। ये चार जो हमारे यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारा बी इज द राइट आंसर। इन चारों में से हमारी लेड सबसे भारी धातु है। अगर यहाँ पर सबसे भारी धातु पूछता और इसमें हमारा ऑस्मियम होता तो ऑस्मियम हमारी सबसे भारी धातु होती है, लिथियम सबसे हल्की धातु होती है। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला जा रहा है इज यूज्ड फॉर गैल्वेनाइजिंग आयरन टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रस्टिंग। लोहे को जंग से बचाने के लिए, रस्टिंग का मतलब होता है जंग से बचाने के लिए गैल्वेनाइजिंग किया जाता है। किसकी परत चढ़ाई जाती है, तो जिंक यानी कि जस्ता की परत हम चढ़ाते हैं। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो मैंने प्रॉपर्टी ऑफ मेटल का जो मैंने डिटेल लेक्चर आपको प्रोवाइड कराया है, जिन भी स्टूडेंट्स ने अगर डिटेल लेक्चर को देखा है तो वो इस पूरे क्वेश्चंस के आंसर आसानी से दे सकते हैं, क्योंकि जो मैंने डिटेल लेक्चर आपको प्रोवाइड कराया है दोस्तों बहुत गहराई से अच्छे से उसमें समझाया बताया है, कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। जैसे जैसे क्वेश्चन आपको यहाँ पर यानी कि आपके एग्जाम में बनते हैं उस तरीके से क्वेश्चन मैं आपके लिए करा रहा हूं। सो गाइस पूरी वीडियो देख के बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें। अगर आप वीडियो को स्किप करते हो तो आपकी यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्किप हो जाते हैं और शायद आपके वो एग्जाम में आए, तो इसलिए वीडियो को स्किप ना करें, पेशेंस रख के पूरी वीडियो देखें। 30-40 मिनट की आपकी वीडियो होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर बोल रहा है शोल्डर इज एन अलॉय ऑफ, शोल्डर एक मिश्र धातु है। ये तो आपके लिए सबको पता होगा, शोल्डर किसकी मिश्र धातु होती है। शोल्डर हमारी टिन और लेड की मिश्र धातु होती है। डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिनियम इज एप्रोमेटली। एल्यूमिनियम का गलनांक लगभग होता है अप्रोक्सीमेटली, यहाँ पर लिखा हुआ है अप्रोक्सीमेटली। एल्यूमिनियम का गलनांक लगभग हमारा होता है 660 डिग्री। डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर, यहाँ पर बोल रहा है हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नॉन एज, कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ के रूप में जाना जाता है। तो आपके लिए पता होगा सबसे कठोर पदार्थ जो हमारा होता है वो होता है डायमंड यानी कि हीरा। डायमंड के दूसरे नंबर पर आपका जो आता है वो कौन सा आता है, आप कमेंट करके बताइए, आपके लिए पता होना चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है गाइस, डायमंड की जो हार्डनेस में डायमंड के दूसरे नंबर पर आता है वह कौन सा पदार्थ है, कमेंट करके बताना। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर, 15 बोला जा रहा है द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल ड्यू टू विच इट कैन बी शेप्ड टू अ वायर बाय ड्राइंग प्रोसेस कॉल्ड। धातु के किस गुण के कारण हम धातु को वायर के रूप में खींच सकते हैं।
तो वो हमारा यहाँ पर कौन सा गुण हो जाएगा दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको ए ऑप्शन में यहाँ पर मिल जाता है मेलेबिलिटी यानी धातु वर्धनीयता, बी ऑप्शन मिल जाता है हार्डनेस यानी कठोरता, सी ऑप्शन मिल जाता है आपको डक्टिलिटी यानी कि तन्यता, डी ऑप्शन मिल जाता है ब्रिटलनेस यानी कि भंगुरता। तो आपका कौन सा गुण है जिससे हम धातु को तार के रूप में खींच सकते हैं, वह हमारा हो जाएगा गाइस डक्टिलिटी। डक्टिलिटी एक ऐसा गुण होता है जिससे हम धातु को तार के रूप में खींच सकते हैं। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, परम सत उत्तर आपका सी हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोल रहा है गाइस, यहाँ पर ध्यान से देखिए। द प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल टू रजिस्ट एब्रेशन ऑफ कटिंग इज कॉल्ड, यहाँ पर बोल रहा है अपघर्षण, अपघर्षण या कर्तन का प्रतिरोध करने के एक धातु गुणों को कहते हैं। तो अपघर्षण की यहाँ पर अपघर्षण या कर्तन का प्रतिरोध करने वाले के गुणों को हम क्या कहते हैं गाइस, हार्डनेस यानी कि बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। हार्डनेस कठोरता हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फेरस मेटल, निम्न में से कौन सा एक लोह धातु है। अभी पूछा था आपसे अलोह धातु, अब आपसे पूछ रहा है कि लोह धातु आपका कौन सा है, ठीक है। तो हमारा एल्यूमिनियम है जो गाइज हमारा लोह धातु है और बाकी ये सब हमारे अलोह धातु है। तो डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन इस प्रकार से बनता है कि लोह मिश्र धातु पूछ रहा है या लोह धातु पूछ रहा है, क्वेश्चन को देखिए उसके बाद ही आप आंसर सही से दीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। यहाँ पर बोल रहा है वेरियस अलोइंग एलिमेंट आर एडेड टू प्रोड्यूस डिफरेंट अलोय स्टील, विच वन ऑफ द फॉलोइंग यहाँ पर बोल रहा है कंबस्टन ऑफ अलोय एलिमेंट यूज इन हाई स्पीड स्टील, हाई स्पीड स्टील का यहाँ पर कंबस्टन बनाना है, कंपोजिशन बताना है कौन से कंपोजिशन है जो हाई स्पीड स्टील में कौन कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं। यहाँ पर आपको चार ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, आपको चार ऑप्शन कौन कौन से देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर है क्रोमियम, निकल, वेनेडियम, यहाँ पर क्रोमियम, मोलिब्डेनम एंड आपके SI यानी कि टिन का SI साइन होता है आपका टिन। यहाँ पर मिल जाएगा W जो आपका यहाँ पर जो संकेत कर रहा है, W आपका होता है गाइस टंगस्टन का, टंगस्टन को दर्शाता है। CR आपका क्रोमियम को दर्शाता है, भी आपको वेनेडियम को दर्शाता है। तो यहाँ पर है W यानी कि टंगस्टन, क्रोमियम, वेनेडियम और डी ऑप्शन में आपको मिल जाता है क्रोमियम, वेनेडर और निकल। तो कौन सा हमारा एलिमेंट है जो हमारे यहाँ पर बोल रहा है कि हाई स्पीड स्टील पाए जाते हैं, तो हाई स्पीड स्टील जो होता है उसमें हमारा टंगस्टन, क्रोमियम एंड वेनेडियम पाया जाता है। तो सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, सी हमारा परम सत उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 19 में बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ मैटर इज नॉट अ मैकेनिकल प्रॉपर्टी, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछता है। मैंने बहुत अच्छे समझाया है कि कौन सी मैकेनिकल प्रॉपर्टी होती है, कौन सी आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पर बोल रहा है नॉट अ मैकेनिकल प्रॉपर्टी, यहाँ निम्नलिखित में से कौन सी मैकेनिकल प्रॉपर्टी आपकी यांत्रिक गुण नहीं है। तो हमारा जो इलास्टिसिटी है ये हमारा यांत्रिक गुण है, टफनेस ये हमारा यांत्रिक गुण है और कंडक्टिविटी हमारा यांत्रिक गुण नहीं है और डी मेलेबिलिटी भी हमारा यांत्रिक गुण है। तो इस क्वेश्चन का हमारा सी सही उत्तर हो जाएगा, सी हमारा परम सत उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हमारे इस आज की वीडियो के लाइक का टारगेट है 100 प्लस, आपको कम से कम 100 लाइक कर देना है। क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर बोल रहा है द प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल टू बी रोल्ड और हैमर्ड विदाउट ब्रेकिंग और क्रैकिंग इन टू थिन सीट आर इज कॉल्ड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैंने आपको डिटेल लेक्चर जो प्रोवाइड कराया था उसमें से मैंने आपके लिए बताया था कि देखिए गाइज यहाँ पर दो ही गुण से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछता है, मेलेबिलिटी आपका एक और एक हो गया गाइज आपका डक्टिलिटी। इन दो गुणों से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछता है। आपको अभी डक्टिलिटी का क्वेश्चन मिला था, अब आपको मेलेबिलिटी का मिल गया है। यहाँ पर बोल रहा है कि पतली चादरों में वियोजन यानी कि बिना विदाउट क्रैकिंग बिना टूटे हम उसे हैमरिंग करके रोलिंग करके उस सीट के रूम में बना सकते हैं किसी भी धातु को, तो वह कौन सा गुण होता है, वह हमारा होता है मेलेबिलिटी। 20 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर ए इज द सही उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, परम सत उत्तर आपका हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर बोल रहा है मेटल्स विच बर्न ऑन एक्सपोजर टू एयर आर वेस्ट स्टोर, धातुएं जो हवा में खुली होने पर जल जाती हैं। यहाँ पर सोडियम की बात कर रहा है गाइस, यहाँ पर सोडियम नहीं दिया है। सोडियम हमारी धातु होती है जिसको जो हम हवा में रखते हैं तो जल जाती है, तो उसे
किस में स्टोर किया जाता है, कहाँ पर रखते हैं, तो हम गाइज पता होगा आपके लिए यहाँ पर उसके लिए हम मिट्टी के तेल के अंदर रखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है अंडर केरोसिन, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, डी हमारा परम सत्य उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 22 में बोला जा रहा है विच ऑफ दीज मेटल इज लिक्विड एट टेम्परेचर, निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल होती है। तो हमारा जो पारा गाइस जो होता है, मरकरी जो होता है, वो हमारा कमरे के तापमान पर लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 23 में बोला जा रहा है गैल्वेनाइजिंग मेटल हैव बीन कवर्ड विथ अ थिन सीट ऑफ जस्ने, यानी कि जो गैल्वेनाइजिंग हम करते हैं मेटल्स पर, जो हमारा कवर चढ़ाते हैं, वो कौन सी धातु का कवरिंग करते हैं, कवर चढ़ाते हैं। हमारा टिन जो हो, जिंक जो होता है गाइस, जिंक की हम धातु पर परत चढ़ा देते हैं, उसको हम कहते हैं गैल्वेनाइजिंग। तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स कैन बी फाउंड इन अ प्योर स्टेट इन नेचर, निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रकृति में शुद्ध अवस्था में पाई जाती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको फर्स्ट ऑप्शन मिल जाता है लिथियम, सेकंड ऑप्शन मिल जाता है आयरन यानी कि लोहा, थर्ड ऑप्शन में आपको मिल जाता है सोना, और आपको फोर्थ ऑप्शन मिल जाता है एल्यूमिनियम। तो बताइए कौन सा आपका सही उत्तर हो जाएगा। जो हमारा शुद्ध रूप में, प्रकृति में शुद्ध रूप में जो धातु पाई जाती है, वह हमारी गोल्ड यानी कि सोना, हमारा सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन पर क्या बोल रहा है, मोस्ट मेटल हैव, अधिकतर धातुएं होती हैं, अधिकतर धातुएं आपकी कैसी होती हैं, अधिकतर धातुएं हमारी जो होती हैं गाइज होती हैं लो इलेक्ट्रोविटीज, हमारी धातु जो होती है लो इलेक्ट्रिविटीज होती हैं। तो बी इज द सही, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 आपकी स्क्रीन पर, अगर आपने अभी तक यूथ कंपटीशन बुक की पीडीएफ डाउनलोड नहीं की है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, जाकर डाउनलोड कर सकते हो, उसे आप पढ़िए, बहुत आपकी हेल्प होगी। क्वेश्चन नंबर 26 है, इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म ब्रॉन्ज इन अलॉय ऑफ विच मेटल, यहाँ पर बोल रहा है अपने समतल रूप से कौन सा किन धातुओं का मिश्र धातु है। यहाँ पर देखिए समतल रूप, कुछ कुछ आपको डेफिनेशन एक्स्ट्रा जोड़ देता है ताकि आपका माइंड है जो कंफ्यूज हो जाए। यानी सीधी सीधी बोल रहा है कि ब्रॉन्ज की मिश्र धातु कौन कौन से, तो ब्रॉन्ज की हमारी मिश्र धातु होती है कॉपर एंड टिन यानी कि ताबा, और आपका हो जाएगा यहाँ पर टिन, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 आपकी स्क्रीन पर, 27 बोल रहा है मेटल्स प्रोसेस फिजिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टी, विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, धातुओं भौतिक और यांत्रिक गुण पाए होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक गुण है। तो हमारा टेनासिटी भैया मैकेनिकल प्रॉपर्टी होती है, मेलेबिलिटी मैकेनिकल प्रॉपर्टी होती है ना, यहाँ पर डक्टिलिटी भी हमारी मैकेनिकल प्रॉपर्टी होती है, लेकिन जो हमारा फ्यूजिबिलिटी है ये हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी है गाइस, ध्यान रखना फ्यूजिबिलिटी फिजिकल प्रॉपर्टी है, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन का हमारा ए परम सत्य उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 आपकी स्क्रीन पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज मोस्ट इसेंशियल फॉर द मेटल्स इन द पर्पज ऑफ कास्टिंग वेल्डिंग ब्रेजिंग एंड सोल्डरिंग, बोल रहा है निम्नलिखित में से धातु का वह कौन सा गुण है जिसके द्वारा ढलाई वेल्डन ब्रेजन और सोल्डरिंग करने के लिए अति आवश्यक है। तो वह हमारा हो जाएगा गाइज यहाँ पर प्लास्टिसिटी, आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा फ्यूजिबिलिटी यानी कि गल सघननीयता हमारा ए ऑप्शन मिल जाता है हमको, यहाँ पर ए इज द राइट आंसर, जो सघननीयता आपका यहाँ पर गुण होना चाहिए किसी धातु को ब्रेजिंग वेल्डिंग सोल्डरिंग करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 29 आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 29 आपकी स्क्रीन पर, दोस्तों अगर आपको वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आ रहा है, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज़ लाइक कर दें, कोई भी अगर डाउट है कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपेसिटी ऑफ मेटल टू विथस्टैंड डिस्ट्रैक्शन अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल लोड, बोल रहा है बाहरी लोड के एक्शन के कारण ना टूटने वाली धातु का वह कौन सा गुण होता है। तो वह हमारा होता है गाइस स्ट्रेंथ यानी कि ताकत, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, वह हमारा होता है ताकत जिससे कि भारी लोड के कारण धातु नहीं टूटती है। तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 आपकी स्क्रीन पर, यहाँ पर बोला जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रेजिस्टेंस ऑफ मेटल टू इलास्टिक, निम्नलिखित में से इलास्टिक डिफॉर्मेशन के लिए धातु की रेजिस्टेंस कौन है, धातु की रेजिस्टेंस यानी कि धातु का प्रतिरोध कौन है। यहाँ पर आपको मिल जाएगा गाइस टफनेस, टफनेस है जो
टफनेस जो धातु की इलास्टिसिटी का यहाँ पर क्या करता है, प्रतिरोध करता है, प्रतिरोध करता है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा उत्तर हो जाएगा, सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 31 में बोला जा रहा है गाइज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज द प्रॉपर्टी बाय विच रेजिस्टेंस ऑफ ऑफर टू फ्रैक्चर रिपीटेड बेंडिंग और ट्विस्टिंग। बेटा निम्नलिखित में से धातु के किस गुण के कारण धातु पर बार बार बेंडिंग या ट्विस्टिंग करने पर वह टूटती नहीं है, तो वो हमारा होता है गाइज यहाँ पर टफनेस का गुण जो होता है, टफनेस के गुण के कारण धातु को बार बार बेंडिंग करने पर भी धातु नहीं टूटती है। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 32 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज द पावर ऑफ रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर डिफॉर्मेशन व्हेन द लॉट इज रिमूव्ड। यहाँ पर बोल रहा है निम्नलिखित में से धातु के किस गुण के कारण जब लोड को हटाया जाता है तो डिफॉर्मेशन के बाद धातु में उसके वास्तविक आकार में वापस आने की पावर होती है। जो हमारा गाज इलास्टिसिटी का जो गुण होता है, इलास्टिसिटी हमारी प्रॉपर्टी होती है, उसमें ऐसा एक यहाँ पर बल लगता है जो कि धातु का मोड़ने के बाद दोबारा वो अपनी पूर्व अवस्था में आ जाती है। कैसे आती, कौन सा बल लगता है, मैंने डिटेल लेक्चर में अच्छे से क्लियर किया है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, जाके देखिए आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो हमारा सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, सी हमारा परम सत्य उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 33 आपकी स्क्रीन पर क्या बोला जा रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल हैज द एबिलिटी टू चेंज इट्स शेप विदाउट डिस्ट्रैक्शन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। निम्नलिखित में से धातु किस गुण के कारण बाहरी फोर्सों का अंतर बिना टूटे अपना आकार बदल लेती है। देखिए गाइस वहाँ पर आकार आपका नहीं बदल पा रही थी, पूर्व अवस्था में आ जा रही थी, लेकिन यहाँ पर अपना आकार बदल लेती है। वह कौन सा गुण होता है, वह होता है हमारा प्लास्टिसिटी गुण के कारण धातु अपना आकार बदल लेती है बिना टूटे। डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 आपकी स्क्रीन पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रोव्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पर बोल रहा है गाइज, यहाँ पर बोला जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रोव्स ऑफ प्रॉपर्टी इनेबल द मैन्युफैक्चर ऑफ चेन लिंक फ्रॉम रॉट आयरन। पटवा लोहे से चेन लिंक बनाने के लिए निम्नलिखित में से गुणों का होना उपयुक्त है। तो गाइज हमारा जो पटवा लोहा होता है चेन लिंक्स बनाने के लिए कौन कौन से गुणों से होना चाहिए, तो यहाँ पर देख लेते हैं हमको ऑप्शन कौन कौन से मिलते हैं। ऑप्शन ए है आपका डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी, हार्डनेस। हार्डनेस बिल्कुल नहीं होना चाहिए आपको चेन बनाने के लिए। नेक्स्ट हार्डनेस, यहाँ पर भी हार्डनेस मिल जाता है, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, टफनेस, और तीसरे यानी कि चौथे ऑप्शन में भी हमको हार्डनेस मिल जाता है, तो डी ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी एंड टफनेस का गुण हमारा रॉट आयरन होना चाहिए, तब हम उसके चेन लिंक्स बना सकते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 35 में बोला जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग अलॉय कैन रजिस्ट साल्ट वाटर कोरोजन। साल्ट वाटर कोरोजन से रजिस्ट करता है वह कौन सी धातु है गाइज, वह हमारे जिंक अलॉय धातु जो होता है, जिंक अलॉय जो धातु होता है वह हमें साल्ट वाटर से भी रजिस्ट करता है। साल्ट वाटर में भी हमारी धातु में जंक नहीं लगती है, जंग नहीं लगती है। क्वेश्चन नंबर 36 हमारा यहाँ पर बोल रहा है कि क्रेन हुक की धातु है, क्रेन हुक कौन सी धातु से बनाए जाते हैं। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, ये नोट कर लेना आप, क्रेन हुक्स कौन सी धातु से बनते हैं। क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है आपसे एग्जाम से, इस क्वेश्चन का अगर आपके लिए आंसर पता है तो कमेंट करिएगा। ऑप्शन आपको मिल जाते हैं कास्ट आयरन, बी ऑप्शन मिल जाता है रॉट आयरन, सी ऑप्शन मिल जाता है स्टील, डी ऑप्शन मिल जाता है नन ऑफ द एबव। तो हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा रॉट आयरन। क्या हो जाएगा गाइज, रॉट आयरन। क्वेश्चन नंबर 37 आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 37 आपकी स्क्रीन पर, द फिलामेंट ऑफ लैंप बल्ब आर मेड ऑफ। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ पर बोल रहा है कि लैंप बल्ब के तंतु फिलामेंट बने होते हैं, तो गाइज टंगस्टन धातु से हमारे बल्ब के जो जो आपके घरों में लाइट बल्ती है, जो हमारा 100 वाट का जो बल्ब आता है उसका जो टंगस्टन जो फिलामेंट होता है वो गाइज टंगस्टन धातु का बना होता है। सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 38 आपकी स्क्रीन पर, द चीफ अलॉयिंग एलिमेंट ऑफ स्टेनलेस स्टील का मुख्य धातु कौन सा है, मुख्य तत्व कौन सा है स्टेनलेस स्टील का। गाइस ध्यान रखना स्टेनलेस स्टील का मुख्य तत्व पूछ रहा है, तो
तो स्टेनलेस स्टील का हमारा यहाँ पर मुख्य तत्व जो होगा गाइज वो होगा क्रोमियम एंड निकल। क्या हो जाएगा गाइज? क्रोमियम एंड निकल है जो हमारा मुख्य तत्व है स्टेनलेस स्टील का। डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 आपकी स्क्रीन पर बोल रहा है, जनरली बेयरिंग बुशेस आर मेड ऑफ, जो आपके बेयरिंग बुश होते हैं वो किस धातु बने हुए होते हैं। अगर आपको गन मेटल ऑप्शन नंबर नहीं मिलता है तब आपका आंसर हो जाता है यहाँ पर ब्रास, लेकिन आपको ऑप्शन मिलता है गन मेटल तो हमारा गन मेटल इज द राइट आंसर हो जाएगा। 100% परम सत्य उत्तर हमारा हो जाएगा गन मेटल। क्वेश्चन नंबर 40 आपकी स्क्रीन पर, मोनल मेटल कंटेंस, मोनल मेटल में होते हैं क्या क्या होते हैं गाइज मोनल मेटल में? मोनल मेटल जो आपका होता है गाइज उसमें आपका होता है, उसमें आपका होता है गाइज देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाते हैं क्रोमियम एंड टंगस्टन, निकल एंड वेनेडियम, निकल एंड कॉपर, क्रोमियम एंड निकल। तो हमारा जो मोनल मेटल गाइज होता है उसमें हमारा होता है निकल एंड कॉपर, यहाँ पर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, निकल एंड कॉपर। क्वेश्चन नंबर 41 आपकी स्क्रीन पर क्या बोला जा रहा है 41 में, डिजायरेबल हार्डनेस इन अ फाइल इज जनरली, रेती वांछनीय कठोरता कितनी होती है? हमारी जो रेती फाइल जो होती है उसमें 60 HRC कठोरता होती है, 60 HRC। क्वेश्चन नंबर 42 आपकी स्क्रीन पर, कार्बन कंटेंस इन कोल्ड चीजल इज, ठंडी छेनी में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो आपकी जो ठंडी छेनी होती है उसमें हमारी कार्बन प्रतिशत होती है 0.85 से 0.95%, लेकिन आपको कई क्वेश्चन मिल जाएगा 1 से 1.2% तक, आपको दो में से कोई भी एक वहाँ पर अगर ऑप्शन मिलता है तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर सही उत्तर माना गया है गाइज यहाँ पर सी सही उत्तर माना गया है, सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। आपका जो डिपार्टमेंट में यहाँ पर प्रीवियस क्वेश्चन पूछा गया उसमें हमारा सी सही उत्तर माना गया, तो हमको भी सी हाँ सी ऑप्शन की ओर जाना पड़ेगा, हमारे यहाँ पर सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 आपकी स्क्रीन पर, वाइट मेटल एक मिश्र धातु है, तो वाइट मेटल किन किन की मिश्र धातु है? वाइट मेटल जो हमारी है गाइज कॉपर, लेड एंड एंटीमनी, हमारे वाइट मेटल में कॉपर, लेड और एंटीमनी पाया जाता है, तो हमारे वाइट मेटल कॉपर, लेड और एंटीमनी की मिश्र धातु, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 44 में बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइज्ड कैरेक्टरिस्टिक्स अबाउट टिन इज करेक्ट, टिन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्टि सही है? टिन के संबंध में, टिन धातु के संबंध में कौन सी विशिष्टि आपकी सही है? यहाँ पर ऑप्शन आपको देखना है और सही उत्तर बताना है। ऑप्शन ए बोल रहा है, टिन कैन विथ स्टैंड हाई टेम्परेचर, टिन उच्च तापमान को सहन कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता गाइज, टंगस्टन का उच्च तापमान होता है 3380 डिग्री। ऑप्शन नंबर दूसरा आपको मिल जाता है, बोल रहा है टिन इज द मेन कंस्टिट्यूशन ऑफ वुड मोस्ट सोल्डर, अधिकतर सोल्डर का टिन एक मुख्य मिश्रण तत्व है, और आपको यहाँ पर मिल जाता है टिन इज वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और आपको डी ऑप्शन मिल जाता है टिन इज करोजन रजिस्ट मेटल, टिन हमारा एक जंग रोधी धातु है। देखिए गाइज यहाँ पर आपका सही सबसे सही उत्तर सही जो आपका यहाँ पर विशिष्टि है वो है बी, यहाँ पर आपको मिल जाता है टिन इज मेन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मोस्ट शोल्डर, जो हमारा शोल्डर का जो मिश्र धातु होती है वो होती है टिन और टिन और लेड होती है हमारी, तो हमारा यहाँ पर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हमारी जंगरोधी होती है, जंगरोधी हमारी जस्ता धातु होती है, यहाँ पर जिंक होता तो सही हो जाता, तो हमारे यहाँ पर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 45 में बोला जा रहा है, एल्यूमिनियम इन इट्स प्योर फॉर्म इज नॉट यूज्ड फॉर इंजीनियरिंग वर्क बिकॉज, शुद्ध अवस्था में एल्यूमिनियम का प्रयोग इंजीनियरिंग कार्यों में नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि गाइज बहुत ही मेलेबल होता है, इससे हम कोई भी पार्ट्स कोई भी शेप इसका नहीं दे सकते। यहाँ पर आपको डी ऑप्शन मिल जाता है, इट लैक स्ट्रेंथ, इसकी मजबूती कम होती है क्योंकि ये बहुत ही मेलेबल होता है, इसमें कुछ कुछ धातु मिलाने के बाद ये थोड़ा कठोर होता है, तब हम इसको इंजीनियरिंग कार्य में उपयोग के लिए लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर बोल रहा है, द कैरेक्टरिस्टिक दैट इनेबल ऑन मेटल टू कट अनोदर इज इट्स, बोल रहा है भाई विशेषता जिससे एक पदार्थ दूसरे को काट सकता है क्या कहलाता है गाइस? बहुत सिंपल क्वेश्चन, हार्डनेस यानी कठोरता कहलाती है, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर
47 आपकी स्क्रीन पर। आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिल रहे होंगे। ये क्वेश्चन गाइज वही क्वेश्चन है जो कभी ना कभी आप किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 आपकी स्क्रीन पर। द अलॉय कंटेनिंग मोर देन 2% आयरन इज नॉन एज 2% से अधिक लोहा की मात्रा कहलाती है, जिसमें लोहा की मात्रा 2% से अधिक है। देखिए लोहा की मात्रा बोल रहा है, यहाँ पर गलत लिखा है, मिस्टेक हुई टाइप है, यहाँ पर गलत लिख गया, लोहा नहीं लिखना चाहिए, यहाँ पर लिखना चाहिए गाइज कारण का यानी कि कार्बन, जिस वह 2% से अधिक कार्बन वाली धातु क्या कहलाती है, तो वो हमारा हो जाएगा कास्ट आयरन, यानी कि बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 48 है पिग आयरन इज कच्चा लोहा होता है, जो हमारा कच्चा लोहा होता है वो इम्प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन आयरन यानी कि लोहे का अशुद्ध रूप होता है। क्वेश्चन नंबर 49 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 49 बोल रहा है रॉट आयरन इज पिटवा लोहा क्या है, पिटवा लोहा भैया एक शुद्ध रूप है जिसमें 99.9% यहाँ पर शुद्ध लोहा आपका उसमें मिलता है, तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 आपकी स्क्रीन पर। गाइज अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर देना, ताकि हमको थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और आपके लिए ऐसे फ्री में ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन की वीडियो लाते रहें। अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, कमेंट करिए, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए संडे लाइव टेस्ट देने के लिए, पीडीएफ प्राप्त करने के लिए, वहाँ पर ही हमसे क्वेश्चंस पूछ सकते हो, कोई भी क्वेश्चन है कमेंट में पूछ सकते हो, आपका आंसर क्वेश्चन का आंसर रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 50 है पिक द मटेरियल विच हैज़ द लिस्ट कोफिशियंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए इसके लिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कोफिशियंट ऑफ थर्मल यानी कि लीस्ट कोफिशियंट ऑफ थर्मल आपसे बोला जा रहा है, यानी कि न्यूनतम गुणांक किस पदार्थ में है, विस्तार ऊष्मीय विस्तरण की न्यूनतम गुणांक किस पदार्थ में होती है, वो हमारा होता है गाइज इनवार स्टील, आपको सी ऑप्शन मिल जाता है, इनवार स्टील सी ऑप्शन में आपको मिल जाता है भैया, इनवार स्टील आपका हो जाता है बिल्कुल सही, परम सत्तर हो जाएगा इनवार स्टील। गाइज हमारा जो इनवार स्टील होता है उसमें बहुत कम ऊष्मीय विस्तरण यानी कि थर्मल एक्सपेंशन बहुत कम होता है, जिससे हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं, जिससे कि हमारी जो हमारी मेजरमेंट जो वैल्यू होती है वो हमारी कभी प्रभावित नहीं होती, कम नहीं होती है, ठीक है, हीट में हमारी कम नहीं होती, तो हमारा इनवार स्टील 100% सही उत्तर हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 आपकी स्क्रीन पर। 51 बोल रहा है सिनेवार भैया सिनेवार किसका आयस्क है, सिनेवार अब आपके लिए पता होना चाहिए, सिनेवार जो होता है गाइस मरकरी यानी कि पारा का हमारा आयस्क खनिज होता है। क्वेश्चन नंबर 52 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 52 बोल रहा है कार्नोटाइट भैया आपका किसका आयस्क है, तो कार्नोटाइट जो होता है गाइज वो हमारा होता है यूरेनियम का आयस्क, किसका होता है गाइज यूरेनियम का आयस्क, तो सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 आपकी स्क्रीन पर बोल रहा है क्रोमाइट इज एन ओर मिनरल या ओर, क्रोमाइट किसका आयस्क है, क्रोमाइट जो हमारा होता है वो होता है गाइज क्रोमियम का आयस्क, तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आपको जितने भी आयस्क हैं अच्छे से याद कर लेना है, आपको किसी भी यहाँ पर मेटल का धातु का आपसे आयस्क पूछा जा सकता है, अच्छे से याद करना है ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। क्वेश्चन नंबर 54 आपकी स्क्रीन पर बोल रहा है इमेनाइट इज एन ओर, इमेनाइट आपका किसका आयस्क है, इमेनाइट जो गाइज होता है वो हमारा होता है टाइटेनियम का आयस्क, यहाँ पर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 आपकी स्क्रीन पर, बहुत अच्छा बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, बोल रहा है बॉक्साइट इज इन और, बॉक्साइट किसका आयस्क होता है, बॉक्साइट हमारा होता है गाइज एल्यूमिनियम का आयस्क, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 आपकी स्क्रीन पर बोला जा रहा है यूरेनाइट इज एन ओर, यूरेनाइट किसका खनिज है, किसका आयस्क है, तो यूरेनाइट जो होता है वो भी हमारा एक यूरेनियम का आयस्क होता है और क्रोमाइट भी हमारा यूरेनाइट का आयस्क होता है, तो एक ही धातु कई आयस्क होते हैं, आपको अच्छे से याद करना, 2-3 आयस्क, किसी के 5-6 आयस्क होते हैं, आपको अच्छे से याद रखना ताकि आपको कोई से क्वेश्चन ना पूछे ना छूटे, आपसे किसी सभी एग्जाम में कम से कम 1-2 क्वेश्चन आपके आयस्क से बन ही जाते हैं। यहाँ पर हमारा यूरेनियम का आयस्क होता है यूरेनाइट। क्वेश्चन नंबर 57 आपकी स्क्रीन पर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेलेकाइट किसका खनिज है, किसका आयस्क है, तो मेलेकाइट भैया हमारा होता है कॉपर का खनिज, कॉपर का हमारा जो खनिज होता है वो होता है मेलेकाइट।
क्वेश्चन नंबर 58 आपकी स्क्रीन पर बोला जा रहा है गाइज कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन लोहे का गलनांक कितना होता है। तो लोहे का गलनांक जनरली होता है 1600 डिग्री सेल्सियस, ठीक है 1600 डिग्री सेल्सियस होता है। बट यहाँ पर आपको 1600 कहीं पर देखने को नहीं मिलता है, तो आपको देखना है 1600 के आसपास कौन सा है। तो हमको सी ऑप्शन मिल जाता है 1539, हमारा सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 59 में बोला जा रहा है अलॉय ऑफ हाई स्पीड स्टील आर रेशियो ऑफ उच्च गति इस्पात में मिश्र धातुएं होती हैं। भैया अभी आपसे उस हाई स्पीड स्टील का बोला गया था कौन कौन सी लिमिट उसमें होते हैं, अब आपसे यहाँ पर परसेंट बोल रहा है 59 में कि आपका हाई स्पीड स्टील में यहाँ पर अलॉय होता है कितने परसेंटेज में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है। मैंने अभी आपके लिए बताया गया जो हमारा टंगस्टन होता है वो 18% पाया जाता है, जो हमारा यहाँ पर क्रोमियम होता है वो 4% पाया जाता है, और हमारा वैनेडियम 1% पाया जाता है। हम देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में यहाँ पर मिल जाता है, हमको यहाँ पर मिल जाएगा 18% टंगस्टन, 4% यहाँ पर क्रोमियम, यहाँ पर मिल जाता है 4% क्रोमियम, 18% टंगस्टन और वैनेडियम आपका 1%। यहाँ पर हमारा डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स में लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 60 आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बोला जा रहा है एल्यूमिनियम की तुलना में इस्पात का विशिष्ट गुरुत्व स्पेसिफिक ग्रेविटी, एल्यूमिनियम की तुलना में स्टील का पूछा जा रहा है, एल्यूमिनियम की तुलना में स्टील का विशिष्ट गुरुत्व पूछा जाता है। तो एल्यूमिनियम का भैया विशिष्ट गुरुत्व होता है 2.7 जो कि कम होता है, और हमारा स्टील का विशिष्ट गुरुत्व होता है जो हमारा होता है 7.85 जो कि ज़्यादा होता है। तो एल्यूमिनियम की तुलना में स्टील का पूछा जा रहा है, तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा अधिक, यानी कि मोर देन अधिक हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगर गाइज आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड अगर आपको यहाँ पर और भी क्वेश्चन में थोड़े से डिस्कस करा देता हूँ, हमारे रह गए हैं थोड़ा सा, देखिए यहाँ पर 72 क्वेश्चन है, यहाँ पर 60 क्वेश्चन हुए हैं, बने रहिए वीडियो के, थोड़ा सा 5 मिनट की वीडियो और रह गई है हमारी, पूरे क्वेश्चन देख लीजिए ताकि आपका मेडल चैप्टर एकदम ही क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 61 सभी प्रकार के स्टील के लिए निम्न क्रांतिक तापमान, भैया सभी प्रकार के स्टील के लिए लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर होता है 723 डिग्री और अपर क्रिटिकल टेम्परेचर होता है कार्बन परसेंटेज के अनुसार बदलता रहता है। जिस स्टील में जितनी कार्बन परसेंटेज है उसका उतना ही ज़्यादा, यानी कि हाँ ज़्यादा उसका क्रिटिकल टेम्परेचर होगा। क्वेश्चन नंबर 62 आपकी स्क्रीन पर बोल रहा है स्टील कंटेनिंग अप टू 0.15% कार्बन इज नॉन एज इस्पात में जिसमें 0.15% तक कार्बन होती है क्या कहलाता है, भैया वो हमारा कहलाता है माइल्ड स्टील। यहाँ पर बोल रहा है तक होती है, तक अगर अधिक हो, हाँ तक होती है तो वो हमारा हो जाएगा गाइज, यहाँ पर देखिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पर बोल रहा है तक अगर बोलता मोर देन 0.15 से अधिक होता तो हमारा हो जाता गाइज माइल्ड स्टील, बट यहाँ पर बोल रहा है तक होती है तो वो हमारा हो जाएगा डेड माइल्ड स्टील, यानी कि बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 आपकी स्क्रीन पर निम्न कार्बन स्टील यानी कि लो कार्बन स्टील को हम माइल्ड स्टील ही बोलते हैं। लो कार्बन स्टील में आपका भैया कितना प्रतिशत कार्बन होता है, जो हमारा लो कार्बन स्टील होता है उसमें भैया 0.10 से 0.15% कार्बन होता है, और जो हमारा यहाँ पर क्या बोलते हैं मीडियम कार्बन स्टील होता है उसमें होता है 0.15 से 0.3%, और जो हमारा यहाँ पर हाई कार्बन स्टील होता है उसमें होता है भैया यहाँ पर आपका देखिए ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए डेड माइल्ड स्टील में होता है भैया, यहाँ पर ध्यान समझिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, डेड माइल्ड स्टील में आपका कार्बन प्रतिशत होता है 0.10 से 0.15%, और आपका माइल्ड स्टील में होता है 0.15 से 0.3%, और आपका मीडियम कार्बन स्टील में होता है 0.30 से 0.67%। अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पर बोला हाई कार्बन स्टील में तो 0.67 या 7 से 1.5% आपका होता है। आई होप कि आपको सभी कार्बन स्टील के कार्बन प्रतिशत पता चल गए होंगे, अच्छे से याद करना, नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, इनसे क्वेश्चन जरूर बनता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा गाइज बी 0.15 से 0.3, क्योंकि लो कार्बन स्टील हमारा इतना ही कार्बन प्रतिशत पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 64 आपकी स्क्रीन पर 18-8 स्टेनलेस स्टील, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है।
18/8 स्टेनलेस स्टील को हम क्या कहते हैं भैया, 18/8 स्टेनलेस स्टील में क्या होता है, तो 18% हमारा होता है टंगस्टन और 8% हमारा होता है क्या क्रोमियम। तो हमको मिल जाता है यहाँ पर टंगस्टन और निकल कहाँ पर मिल जाता है, ए है, हमको सी ऑप्शन मिल जाता है, 18% हमारा होता है टंगस्टन, 8% होता है निकल जो हमारी होती है स्टेनलेस स्टील। तो हाँ हमारी जो होती है स्टेनलेस स्टील, हाँ स्टेनलेस स्टील होती है, तो हमको यहाँ पर 18% टंगस्टन नहीं गाइस, स्टील मैंने अभी आपके लिए बताया था स्टेनलेस स्टील में हमारा टंगस्टन पाया ही नहीं जाता, स्टेनलेस स्टील में हमारा ओनली होता है क्रोमियम और निकल। तो हमारा जो टंगस्टन यानी क्रोमियम होता है 18%, 8% निकल, हमारा बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, बी एकदम परम सत्य उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 आपकी स्क्रीन पर, रॉट आयरन इज प्रोड्यूस्ड बाय रीमेल्टिंग पिग आयरन, पिटवा लोहा प्राप्त करने के लिए कच्चे लोहे को पुनः गलाया जाता है। तो भैया पिटवा लोहा प्राप्त करने के लिए कच्चे लोहे को हम किस में गलाते हैं, तो आपका यहां पर मिल जाता है पुडलिंग फर्नेस, तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। कास्ट आयरन का पूछा जाए तो यहाँ पर क्यूपुला फर्नेस हो जाता है, पिग आयरन का पूछा जाए तो ब्लास्ट फर्नेस हो जाता है, अगर आपसे स्टील का पूछा जाए तो हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस। ठीक है, चारों ऑप्शन आपको सही से क्लियर हो गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 66 आपकी स्क्रीन पर, इन विच फर्नेस इन पिग आयरन मैन्युफैक्चर, तो पिग आयरन को भी मैंने बताया है हमारा हो जाएगा ब्लास्ट फर्नेस, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 पूछ रहा है, मेल्टिंग कास्ट आयरन द कॉमनली यूज्ड फर्नेस, तो कास्ट आयरन का पूछा गया, तो कास्ट आयरन का मैंने बताया क्यूपुला फर्नेस, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 आपकी स्क्रीन पर बोल रहा है, एस्टन प्रोसेस इज यूज टू प्रोड्यूस, एस्टन प्रोसेस भैया हम क्या प्रोड्यूस करते हैं, स्टील प्रोड्यूस करते हैं, एक होता है एस्टन प्रोसेस, एक होता है बेसिमर प्रोसेस और एक इलेक्ट्रिक आर्क प्रोसेस। सबसे ज़्यादा हम किस प्रोसेस का यूज़ करते हैं अगर ये पूछा जाए, तो इलेक्ट्रिक आर्क विधि से हम स्टील को प्राप्त करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक आर्क विधि में हम बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी स्टील को प्राप्त कर सकते हैं। तो भैया 68 का डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 आपकी स्क्रीन पर, क्या बोला जा रहा है, व्हाट इज़ द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ निकल, भैया निकल का मेल्टिंग पॉइंट जल्दी से बता दीजिए, निकल का मेल्टिंग पॉइंट होता है पन्ना 1450, तो सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 आपकी स्क्रीन पर बोल रहा है, इस प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्यूमिनियम, भैया एल्यूमिनियम पर जब हम ऑक्साइड की लेयर चढ़ा देते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं गाइज एनोडाइजिंग, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, एनोडाइजिंग सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 आपकी स्क्रीन पर बोल रहा है, लोहे अयस्क से कच्चे लोहे को प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, गाइज पिग आयरन से हम पिग आयरन को किसमें यानी कि हम उसमें किसमें हम उसे मेल्ट करते हैं, तो वो हम करते हैं गाइज यहाँ पर ब्लास्टिंग यानी कि ब्लास्ट फर्नेस करते हैं, यहाँ पर हो जाएगा ब्लास्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, क्या बोल रहा है गाइस, ध्यान समझिए, क्वेश्चन की परिभाषा थोड़ा समझ लीजिएगा, बोल रहा है द प्रोसेस ऑफ ओवेंटिंग पिग आयरन फ्रॉम आयरन ओर इज कॉल्ड, तो यहाँ पर प्रोसेस पूछी जा रही है ना कि आपसे भट्टी पूछी जा रही है, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर स्मेल्टिंग, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 72 आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, जितने क्वेश्चन हमारे मेटल से बने हैं प्रीवियस एग्जाम में एग्जामिनर ने बनाने की कोशिश की है, बनाए हैं, पूछे गए हैं, वही क्वेश्चन आपके 72 सभी डिपार्टमेंट के ऑल डिपार्टमेंट के क्वेश्चन कलेक्ट किया, सभी डिपार्टमेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का ये निचोड़ है गाइस, इससे अगर आप पढ़ते हो तो आपके आने वाले प्रत्येक टेक्निकल एग्जाम जैसे कि आपकी DRDO, IOCL, BARC, RR, CAT सभी में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी गाइस, बहुत यूनिक क्वेश्चन आपको देखने को मिलते होंगे। सो गाइस थोड़ा सपोर्ट करें, वीडियो जो है आप कम से कम अपने 10 फ्रेंड को शेयर जरूर करें, आज आप टारगेट रखिए मेरी बात में अपने भाई का थोड़ा सपोर्ट करने के लिए, कम से कम आप 10 फ्रेंड को अपने 10 फ्रेंड को इस वीडियो को शेयर करें, और कम से आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर देना। मैंने बताया है कि 75% जो हमारे अनसब्सक्राइबर व्यूअर हैं, प्लीज़ सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है सभी लोग हमारे लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो हमारा 72 नंबर क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है भैया भट्टी के दीवार की सबसे अंदरूनी सतह पर उपयुक्त पदार्थ जो उच्चता भौतिक और रासायनिक प्रतिक्रिया का प्रतिरोध करती है उसे हम क्या कहते हैं, भैया उसे कहते हैं रिफ्रैक्टरी यानी कि अपवर्तक कहते हैं, क्या कहते हैं रिफ्रैक्टरी यानी कि अपवर्तक, हमारा यहाँ पर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपको वीडियो पसंद आया होगा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक के लिए बने रहिए टेक एग्जाम के साथ, जय हिंद।